मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शेफ के साथ खड़ा हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना होगा। वाला ये शानदार है। इसके किनारों पर कुरकुरापन। मैं इस तरह से आपने देखा संजीव मेरी अक्की रोटी खराब कर रहे हैं। मुझे पता है और उन्होंने ये सही भी कर दिया। देखिए तैयार हो जाइए, ये शायद यहीं रुकने वाले हैं। ये वाकई स्वादिष्ट है। अगली रोटी हम मंत्री जी को परोसेंगे, देखते हैं उनको कैसी लगती है। आप एक चम्मच चखेंगे? मैं एक चम्मच चख सकता हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि इससे मंत्री जी को कुछ नहीं हुआ, तो मुझे क्या दिक्कत है। ये इसका इंतजार कर रहे थे। मैं आपको कुछ दूंगा जो कि एक तरह की कर्नाटक में ये एक जानी पहचानी रेसिपी है। हाँ? लेकिन मैंने इसमें काफी बदलाव किए हैं। अच्छा। तो मैंने पास से कुछ हरी पत्तियाँ अलग अलग तरह की गिराई ली हैं और मुझे लगता है कि यही तरीका है इसे करने का। और मैं इसे इधर रख देता हूँ। बहुत सारी हरी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने पोषक तत्व और पत्तियों के बारे में बताया था, और ये वाकई मुझे पसंद है और मैं समझ गया। तो कर्नाटक का क्यों? क्योंकि शुरुआती जीवन का बड़ा भाग मैंने कर्नाटक में बिताया है। तो उम्र बढ़ते हुए आपने कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी खाना बनाया है? कभी नहीं, कभी नहीं। इन आवर होम, हमारे घर में गणेश चतुर्थी के अलावा हम कभी किचन में नहीं जाते थे। उस दिन हम केवल वहाँ डिजाइन बनाने जाते थे। कड़ाबू? अरे कड़ाबू, अच्छा अच्छा जी। नहीं नहीं, कड़ाबू डिजाइन। अच्छा, वो वैसे आपके डोसे के बारे में मैंने बहुत सुना है। आज हम अक्की रोटी बना रहे हैं। अक्की रोटी, अच्छा। आपको इसका मतलब पता है? Yes, so, but I've heard आपके डोसे के बारे में बहुत सुना है, क्या खास है आपके डोसे में? हाँ, अरे इस पर एक आईपी है। गुरु आईपी नहीं रख सकते हैं, उन्हें सब कुछ बांटना होता है। जीवन में कोई रहस्य नहीं होता, कोई कोई रहस्य नहीं। खाने के मामले में हम शेफ हम हमेशा स्वाद के संतुलन की बात करते हैं। अब स्वाद सबके लिए अलग अलग होता है। हाँ, आप जैसा चाहें वैसा स्वाद बना सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ बुनियादी चीज है कि कैसे ये चार पहलू, तीखापन, खट्टापन, मीठा और नमकीन, एक साथ मिलते हैं। लोग कह सकते हैं कि ये मेरी दक्षिण भारतीय पूर्व धारणा है, लेकिन मैंने इसे ध्यान से देखा है। आपको पता है, मैंने अपनी विरासत को दूर रखकर खाने को ध्यान से समझा है। मुझे नहीं लगता कहीं और लोगों ने इन चार चीजों को मिलाने के सैकड़ों तरीके ढूंढ रखे हैं। नमकीन, खट्टा, तीखा और आपको पता है मीठा, एक खास तरीके से कैसे इसे मिलाया जा सकता है। और मुझे लगता है यहाँ पर कई मिश्रण हैं, उससे भी ज्यादा और भी ज्यादा। अरे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये स्वादिष्ट है और मैं इसके किनारे देख सकता हूँ। खुशबू अच्छी है, इसके किनारों पर कुरकुरापन। मैं क्योंकि एक साइड से मैंने पका लिया है, दूसरी साइड में आप पर छोड़ रहा हूँ। आपको बस इसे शानदारी से पलटना है। I love that. ये मुझे पसंद आया। That's fantastic. Yeah, that's easy. इस तरह से। हाँ, अगर हम ये इसके लिए तरकीब ये है कि हम छोटे किनारे वाला तवा इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ, देखिए इसी वजह से ये जल्दी नहीं पक रहा है, क्योंकि ये फ्लैट है, इसे थोड़ा
आपने देखा संजीव मेरी अक्की रोटी खराब कर रहे हैं। मुझे पता है और उन्होंने ये सही भी कर दिया। ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए वो सही भी कर देंगे। हाँ क्योंकि मुझे इसे खाना है तो मुझे सही करना होगा। ओके तो चलिए देखते हैं ये कैसा बन रहा है। काफ़ी मात्रा में है। मुझे पसंद है हरी सब्जियाँ। हे आप खुद का खाना पसंद नहीं कर सकते, मेरा इसे पसंद करना जरूरी है। ओके पहले मैं इसे पसंद करूंगा। आप प्रेम से इसे बनाइए। हाँ मैं प्रेम से बनाता हूँ। आखिर में मुझे पसंद है या नहीं इससे फर्क पड़ेगा, ना कि आपको पसंद है। ये बिल्कुल सही कहा, आप हमेशा दूसरों के लिए पकाते हैं, ये वाकई सच है। तो मेरा मानना है कि जब आप प्रेम से पकाते हैं। हाँ ये आखिर में पकाना ही नहीं हर चीज, अगर आप अच्छे मन से करते हैं तो चीजें होंगी। और अगर आप प्रेम से पकाएं और प्रेम से परोसें तो अगर स्वाद अच्छा ना भी हो तब भी उन्हें ठीक लगेगा। Voila! That's perfection. अच्छा दिख रहा है, बहुत बहुत अच्छा। हमने ज्यामिति सही रखी है। हाँ। मैं हमेशा से ज्यामिति का दीवाना रहा हूँ। मैं हर चीज को ज्यामिति तरीके से सही चाहता हूँ। मैं पिछले वाले के बारे में थोड़ा सा चिंतित था। नहीं नहीं देखिए, खाने में सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि सभी इंद्रियां महत्वपूर्ण हैं। तो हम पहले अपनी आंखों से खाते हैं, हम सूंघते हैं, हम स्वाद लेते हैं, हम छूते हैं और हम सुनते हैं। आपको पता है इसे जरूर सुंदर दिखना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और इसका पाचन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। वास्तव में खाने की आवाज भी ऐसी चीज है कि जो नहीं, मैं चाहूंगा कि मेरा खाना आवाज ना करे। नहीं देखिए ये खाने पकने की आवाज जो है। हाँ। ओ, खाना पकने की आवाज, ये ठीक है। मुझे आपको कुछ चटनी परोसने दीजिए। ये पुदीना चटनी है। देखने में जैसा हम कहते हैं कि आप अपनी आंखों से खाते हैं। तैयार हो जाइए, ये शायद यहीं रुकने वाले हैं। ओके अच्छा, यहाँ रुकने के लिए मुझे इसे खाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि आप इतनी यात्रा करते हैं, किसी को तो इस जगह की देखभाल के लिए होना चाहिए, तो मैं यहाँ रुकने के लिए सहमत हूँ। धन्यवाद, ये वाकई सम्मान की बात है सदगुरु। ये तो आज सुबह आपने सुगंध की बात की तो जी hey, चलिए इसे टेस्ट करिए। आप ये बातें तभी करते हैं जब खाना अच्छा नहीं होता। ओके आई अगली रोटी हम मंत्री जी को परोसेंगे, देखते हैं उनको कैसी लगती है। नहीं अच्छा है। तो आप कोई साधना कर रहे हैं कि आप या आप एक चम्मच चखेंगे? मैं एक चम्मच चख सकता हूँ। आप चख सकते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ कि इससे मंत्री जी को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या दिक्कत है। ये इसका इंतजार कर रहे थे, कभी अगर मैं कर सका तो मैं आपके जैसा शेफ रखना चाहूंगा। नहीं वो आने के लिए धन्यवाद। नहीं आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा।